आपका स्वागत है सातवें दिन के एपिसोड में। मैंने एक प्रण लिया था, मैंने एक चैलेंज लिया है कि 21 दिन कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार करूंगा, और आज का कंटेंट है फोटोशॉप से रिलेटेड, राइट। ऑलरेडी मैंने एक फोटोशॉप का बेसिक ट्यूटोरियल आप लोगों को दिया था, बना के दिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। आज का जो टॉपिक ये है कि बेस्ट वे टू लर्न अबाउट फोटोशॉप, फोटोशॉप को बेस्ट वे क्या होता है लर्न करने का फोटोशॉप का, या मुझे भी जो सीखना था फोटोशॉप तो मैंने कैसे सीखा था फोटोशॉप, राइट। तो ऐसा नहीं था कि कहीं पे मैंने मैंने कहीं से जाके सीखी थी या कुछ भी किया था, राइट। इंटरनेट पर ब्राउज करते करते मैंने सिर्फ एक बेसिक वीडियो देखा था, चैट परकिंस करके एक थे, जिनमें जो चीज़ मैंने बताई है टूल्स के बारे में खाली बताए थे कि भाई ये टूल का क्या काम है, ये टूल का क्या काम है, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। बस ये टूल्स को मैंने जान लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैं गूगल पे गया था और गूगल में सर्च किया था फोटोशॉप ट्यूटोरियल। नाउ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसमें फोटोशॉप के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, पड़े हुए ट्यूटोरियल्स हैं, राइट। जैसे कि अभी आप ये देखिए फोटोशॉप ट्यूटोरियल .ws ये है, राइट। आगे आप जाओगे तो यहाँ पे ग्रू 99 है, क्रिएटिव ब्लॉग है, राइट, फोटोशॉप इसेंशियल्स है, राइट। तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे फोटोशॉप के ट्यूटोरियल हैं। तो आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्विक टिप टू क्रिएट फन स्पायरोग्राफ्स एंड फ्रैक्टल्स, राइट, 10 लेवेंडर पर्पल लाइट रूम प्रेजेंट। ये लाइट रूम के बारे में बताया, हाउ टू अचीव एनी इफेक्ट इन फोटोशॉप पार्ट 1। इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, राइट। क्रिएट अ फिल्टरिंग मेडिवल सीन विथ जो भी इनका इफेक्ट है उस इफेक्ट के साथ में, ठीक है। क्रिएट एन अमेजिंग सीजी इलस्ट्रेशन ऑफ इनक्रेडिबल हल्क, राइट। तो ये सब थोड़े से एडवांस ट्यूटोरियल है। अगर हम इसमें क्लिक करते हैं, जैसे इस ट्यूटोरियल में हमने क्लिक किया, तो थोड़ा सा जब हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे फाइनल रिजल्ट इन्होंने बता दिया है, राइट। तो भाई कैसे तैयार करना है, तो यहाँ पे डिजिटल पेंटिंग के बारे में, जो कि बेसिक नहीं है तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, राइट। ये थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल वाला वेबसाइट, हम इससे नहीं लेंगे, राइट। नाउ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हाउ टू एडिट फोटो इन लाइटरूम क्लासिक, हाउ टू फिल्टर। तो यहाँ पे लाइटरूम के बारे में ज़्यादा दिया, फोटोशॉप के बारे में कम दिया था। जैसे हाउ टू मैच कलर बिटवीन फोटोज़ इन फोटोशॉप, राइट, इसमें कुछ चीज़ लिखा होगा। नाउ इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, और हम लोग कर देते हैं इसको कर देते हैं बेसिक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में ये पूरा का पूरा सैम्पल इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे में आइएगा। तो एक एक स्टेप इसने बताया कि भाई कैसे करके इमेज को आपको करना है, कौन कौन से आपको कलर रिमूव करने हैं, ब्लैक एंड वाइट करना है, राइट। ये सारी की सारी स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे दिया रहता है, जैसे स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे देखिए जाकर दिया हुआ, राइट। तो जैसे जहाँ जहाँ जैसे जैसे इसमें किया, वैसे वैसे आप अपने किसी और सैम्पल इमेज को लेके आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे क्या होगा कि इसको करते करते इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको करते करते आप चीज़ें करना सीख जाओगे, राइट। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बिगनर ट्यूटोरियल में, आते हैं बिगनर ट्यूटोरियल में क्या है, तो भाई अडोबे का खुद का ही है फोटोशॉप ग्रू 99, फ्री स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल यहाँ पे है, मॉकअप प्लस में है। मैशेबल को हम लोग छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो स्पेशलाइज साइट है उनको देखते हैं, राइट। फ्री फोटोशॉप सीजी ग्लोबल लाइफ हैकर, राइट, फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स 450 medium.com, राइट। तो यहाँ पे लिखा है 22 स्टेप बाय स्टेप अडोब फोटोशॉप टूटल फॉर बिगनर्स, राइट, क्विक फोटोशॉप मैनिपुलेशन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स क्विक एंड ईजी मैथड। ये यहाँ पे सब में YouTube में वीडियो दिए गए, YouTube का वीडियो उन्होंने देके रखा हुआ है, तो यहाँ YouTube से भी स्टेप बाय स्टेप सीख करके सीख सकते हैं, राइट। PSD टच, ये एक वेबसाइट था जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो कि है टूट प्लस, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, इसमें बहुत एडवांस लेवल में भी स्टफ दे के रखा हुआ है, बहुत ही एडवांस लेवल में इसमें स्टफ देखा था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि हाउ टू मेक अ फ्लायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखा ब्राउज आउट ट्यूटोरियल, इसमें भी इसका फ्लायर बनाने का पूरा यहाँ पे वीडियो देके रखा है मैंने। सेलिब्रेट योर इवेंट्स इन स्टाइल फ्लायर्स इन। हे एवरीवन, माय नेम इज मेलोडी, राइट। यहाँ पे देखिए देख रखा हुआ
Starting with a summary, music यहाँ पे पूरा पूरा कोर्स टाइप का उन्होंने बना के रखा है. यहाँ से आप देख सकते हो हाउ टू क्रिएट राइट ये वाला इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे. चलो ये वाला इमेज कैसे क्रिएट करेंगे कोलाज वाला ये भी है राइट. तो यहाँ पे देखिए हाफ टोन इफेक्ट के बारे में इन्होंने बड़ा डिटेल में यहाँ पे ये वाला कैसे करेंगे ये हाफ टोन का जैसा होता है ना हाउ टू क्रिएट लाइन आर्ट. तो बेसिकली कैसे क्रिएट करेंगे लाइन आर्ट उसके बारे में इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता के रखा हुआ है. फिर स्टेप टू है तो ब्रश टूल के थ्रू आपको कुछ करना पड़ेगा. स्टेप थ्री है राइट. फिर उसके बाद कैसे इसका शेड ग्रे कीजिएगा ऐड कीजिएगा उसके बारे में इसका बाल जैसे कलर हो गया जबान का हो गया राइट. ये थोड़ा थोड़ा करने के बाद में और उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में आप कैसे उसको हाफ टोन बनाइएगा ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे के रखी हुई है राइट. वैसे ही ये वाली अगर इमेज है इसमें इसमें भी आपको वीडियो पूरा पूरा दे के रखा हुआ वीडियो के साथ ये भी रखा हुआ कि आपको नॉर्मल इमेज कैसे खोलना जैसे कि नॉर्मल इस बच्ची का इमेज है राइट. तो इस बच्ची के इमेज को आपको कैसे खोलना है कैसे मॉडिफाई करना है. तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट मॉडिफाई स्मूथ सेट रेडियस टू 5px सेलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट रेडियस कॉन्ट्रैक्ट बाई 2px सेलेक्ट मॉडिफाई फीदर को भी 2px करके आपको यहाँ पे इसका फोटो भी दे के रखा है. और इसके बाद कंट्रोल जो है अपना कीवर्ड में तो एक और उसका कॉपी हो जाएगा सब्जेक्ट का नाम दे देना है राइट. उसके बाद बैकग्राउंड कैसे ऐड करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. फोटो कॉलेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे कलर वगैरह सब दे के रखा हुआ है और दे के रखा हुआ कि एक ऐसे करके एक एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया उसको हल्का सा घुमा दिया फिर दूसरे एरिया को सेलेक्ट करके हल्का सा घुमा दिया फिर देखिए एक के ऊपर एक रख के स्ट्रेस टाइप से कर दिया राइट. फिर उसके बाद आप क्या करोगे तीसरा करोगे फिर चौथा करोगे राइट. तीसरा किया फिर चौथा किया फिर उसके बाद में आपने पाँचवा कर दिया राइट. अब उसके बाद में पांचवा करने के बाद में पांचों को एक दूसरे के ऊपर में आपने इस तरह से रख दिया कि इस तरह से इस बच्ची का पूरा मुंह छुप जाए. उसके बाद आपने थोड़े से इसमें और भी थोड़ा सा इसमें आपने टोटल यहाँ पे और भी किया टोटल 7 कर दिया. देखिए यहाँ पे 7-8 दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का कॉपी ये नज़र आ रहा है राइट. फिर उसके बाद आपने 7 को वही 8 नंबर आपने दे दिया 8 नंबर नाम दे दिया. अब धीरे धीरे क्या कर रहा है कि उस वो जो लेडी है उसका शक्ल को हल्का हल्का रिवेल करना स्टार्ट कर रहा है हर स्टेप में. तो जब आप रिवेल करोगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा. फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन सब में रिवेल करने के बाद में सब में इस लेडी का बन गया. तो अब सब में क्या किया कि सब में बॉर्डर दे दिया. यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप शेडो क्रिएट करके वाइट कलर से ड्रॉप शेडो क्रिएट करके इन्होंने सब में कलर दे दिया. जैसे सब में कलर दिया चूँकि सब अलग अलग थे और सबके इसमें कलर दे दिया तो ये एक ऐसा इस टाइप का इफेक्ट बन के निकलने लगा राइट. तो बेसिकली यही पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है यहाँ पे इन्होंने बना के सिखाया. तो इन सब जगह से आप लोग क्या है आप लोग इन सब जगह से अपना ट्यूटोरियल्स वगैरह जो होता है आप इसको स्टेप बाय स्टेप करो. मेरे को तकरीबन 30 से 40 ट्यूटोरियल लगा था चीज़ें सीखने के लिए. तो बहुत बार ऐसा होता था कि ट्यूटोरियल मैं कर ही नहीं पाता था बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्यूटोरियल रहता था. फिर किसी तरह से फिर से पढ़ता दोबारा पढ़ता तिबारा पढ़ता था चार बार पढ़ता था राइट. तो उसको पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन लोग क्या बोल रहे समझने की कोशिश कर करके उसके बाद मैंने कोशिश किया. फेलियर तो होता है इस प्रोसेस में बट इस प्रोसेस में आप सीखते बहुत ज़्यादा सॉलिड हो. तो यहाँ पे भी देखिए कि कैसे टेक्स्ट इफेक्ट इन्होंने पैदा किया कि एक सिंपल सा टेक्स्ट इफेक्ट जो होता है उसको पैदा करने के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ किया. सारी सेटिंग एक एक सेटिंग दी रहती है. तो आप लोग इसको बनाने के बाद में आप जैसे कि इसने यहाँ पर लिखा ना इसने यहाँ पे लिखा इम्बॉस्ड राइट. तो यहाँ पे इन्होंने इम्बॉस्ड करके लिखा है. तो इसको आप अपना अपस्किल में चेंज कर दो या अपने नाम पे चेंज कर दो. अगर हम लोग यहाँ पे फेसबुक में जाएं हाँ तो देखो दोस्तों देखिए जैसे कि एक मेरा एक प्रोफाइल है. तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने इम्बॉस वाला का बोला था राइट. ये मेरे कॉलेज का नाम था किसी टाइम में मैंने 2007 वगैरह के लगभग में ये इफेक्ट बनाया था. ब्रश का यूज़ करना इसका यूज़ करना थोड़ा सा ओवरले है नीचे का शेडो यूज़ करना ऐसे ही किसी ट्यूटोरियल को मैंने देखा था. ट्यूटोरियल को देखने के बाद में ये मुड़ा हुआ टेक्स्ट का इफेक्ट आता है ये मुड़ा हुआ इफेक्ट आता है राइट. उस इफेक्ट को मैंने किया था. वैसे ही ये वाला इफेक्ट एक मैंने ट्यूटोरियल देख के बनाया था. ये तो ट्यूटोरियल देख के नहीं बनाया था ये तो खुद से ही बनाया था. थोड़ा अपना जो नॉलेज हो गया किस टाइप का है. तो एक कॉन्टेस्ट चल रहा था उस कॉन्टेस्ट के अंदर में क्या था उस कॉन्टेस्ट के अंदर में बेसिकली
ये चल रहा था कि हम लोग के यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या हो जाएगा, तो वो ताजमहल का ये अलग से डाला गया इफेक्ट है, ये जहाज डूबने का इफेक्ट अलग है, पानी का अलग से इफेक्ट डाला गया, ये एक्स्ट्रा पानी का बूंद डाला गया, बारिश करवाया गया, ये चिड़िया अलग से डाला गया, बिजली अलग से डाला गया, राइट। तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट हम लोग के ऊपर काम कर रहे थे, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर में बना है। तो आप लोग थोड़ा सोचे होगे तो उस टाइप का भी आप लोग बना लोगे, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर बना लोगे। तो बहुत पुराना, 10 साल, 10-12 साल पुराना बनाया हुआ मेरा है, राइट। लेकिन मैं भूला क्यों नहीं हूँ, मैं भूला इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने कर करके सीखा है। तो ये जैसे कि इम्पोर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्पोर्टेड टेक्स्ट करके है, तो इस टेक्स्ट के अंदर में जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट को आप अपने नाम पे या अपने कंपनी के नाम पे आप ट्राई करना चालू करो, कलर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करो, और उसके बाद में बार बार देख के इस टाइप का इफेक्ट भी आ जाएगा। अब इस इफेक्ट के अंदर में जैसे सब ब्लू ब्लू है, तो खाली आप टेक्स्ट को ब्लू रख सकते हो और पीछे का चीज़ जो है उसको रेड कर सकते हो, तो उभरता हुआ इसमें नजर आएगा। ये थोड़ा थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे कलर के साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे फोटोशॉप मैंने सीखा है, और इसको आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक वेबसाइट है, टूट प्लस डिज़ाइन, टूट्स प्लस है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइन है, वो चीज़ आप कर सकते हो। देखिए ऐसे और भी चीज़ है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह सबका है, बट फोटोशॉप का जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट से सबसे ज़्यादा आप सीखते हो। जैसे डिज़ाइन है, टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट हमने कर दिया। तो टेक्स्ट इफेक्ट देखो, वही वाला लाइट वाला, या फोटो के अंदर ये वाला, इस टाइप का टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बना सकते हो, ये वाला, ये रोडीज का एक सीजन आया था, उस सीजन में इस इफेक्ट को उन्होंने डायरेक्टली यहीं से बना के डाल दिया था, ऐसे ही बना के डाल दिया था रोडीज का सीजन का। तो ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल, काफ़ी पुराना ये इफेक्ट है यार, तो मुझे याद है। तो इसमें जैसे कि अभी इसको आप कैसे, सिंपल सा चीज़ है कि कैसे इसके बैकग्राउंड में ग्रंजी बना सकते हो, पेपर वाला बना सकते हो। तो सिंपल 3 स्टेप में हो गया, यहाँ पर रंग डाला, एक स्टेप में ये डाला, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया, कलर बंद करके ऑपेसिटी इसका घटा दिया, ये बन गया। तो ये सिंपल सा है। इसको अगर हम लोग ऐसा लें कि देखते हैं हम लोग करके, पेपर ग्रेडियंट, तो ये वाला शायद टेक्सचर तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्च करते क्रश पेपर, तो ये क्रश पेपर वाला सब मिल गया मेरे को, राइट। 624/27, ये ठीक है, सीसेस ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल, है ना, न्यू, लेट्स क्रिएट अ फाइल। हम लोग क्या करें अभी, हम लोग 800x800 के क्रिएट कर लेते हैं अभी देखने के लिए। इसको हम लोग कलर कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं, जो भी कलर, उसको कलर कर देंगे, राइट। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओपन एंड न्यू विंडो करते हैं ताकि दिख जाए कितना बड़ा है। इसके बाद इसको सेव एज अ फाइल कर, इमेज कर लेते हैं, राइट। तो यहीं पे सिंपल पहला देखते हैं, स्टेप 1 में क्या बोला है, वी आर मेड ऑफ 3 पार्ट्स, पहला पार्ट रेडियंट ग्रेडियंट, वी आर स्टार्टिंग ड्रॉइंग ग्रेडियंट ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट टूल। तो सबसे पहले भैया रेडियंट ग्रेडियंट टूल का यूज़ करो, राइट। तो यहाँ पे है आपका ग्रेडियंट टूल, कहाँ पे था ग्रेडियंट टूल आपका, ये रहा ग्रेडियंट टूल। यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये कलर येलो टू ग्रीन जाएगा, तो ये कलर यूज़ कर लो। आप कलर यूज़ कर सकते हो दो, एक कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और एक कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो येलो से ग्रीन तरफ आपका जाने का दिखेगा। तो इस कलर के ऊपर में यहाँ से आप अलग कलर यूज़ कर लोगे तो येलो से ग्रीन तक जाने के। मैं ब्लू वाला ले रहा हूँ, ये देखो, ऊपर से नीचे करूंगा तो थोड़ा सा इस टाइप का इफेक्ट आएगा। तो इसको मैं खींच लेता हूँ यहाँ, ठीक है। अब इसके ऊपर में अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, अपन ने जो भी डाउनलोड किया था अभी इमेज, अभी यहाँ पे जो इमेज अपन ने यहाँ पे खोला था, तो इसको हमने सेव किया था, राइट। कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे सेव, राइट। तो अपन क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा डेस्कटॉप से, इसको खींच के यहाँ डाल देंगे। तो ये यहाँ पे आ गया, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको अपन थोड़ा सा खींच के यहाँ पे डाल दिया, राइट।
ये वाला ट्यूटोरियल जो है आपका, ये ट्यूटोरियल क्या बोल रहा है, आपने पहले ये किया और उसके ऊपर में ऐसे करके आपने इसको डाल दिया, राइट, उसके ऊपर में डाल दिया। इसके बाद कुछ सेटिंग वगैरह सेचुरेट वगैरह करने का वो हम लोग नहीं करेंगे। अब बोल रहा है कि लेयर को कलर बंद कीजिए और 20% ओपासिटी कर दीजिए। तो यहाँ से इस लेयर को, पहले इस लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर नीचे में सेलेक्टेड है, इसको हमने कर दिया कलर बर्न, कलर बर्न हो गया और इसकी ओपासिटी 20% कर दी। ये देखिए 20%, इसकी थोड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये क्रश पेपर का इफेक्ट आ गया। इस लेयर के अंदर में अगर हम लोग यही सेम चीज़ करते हैं जो यहाँ पे इन्होंने दो कलर बोला था, जैसे कि एक कलर ये बोला था, राइट, तो हमने अगर ग्रेडियंट यहाँ से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो कलर है उस कलर को हम लोग रखते हैं ये, और यहाँ पे जो कलर है उस कलर को हम लोग क्या रखते हैं, उस कलर को हम लोग रखते हैं ये, ठीक है, इसको ओके करो, इसको राइट, ये देखिए राइट। तो बेसिकली ऊपर वाले का ओपेसिटी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और करेंची अपन को दिखेगा, जितना ओपेसिटी बढ़ाएंगे अपने सहूलियत के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ दिखाया था उस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे आ गया, राइट, पेपर में आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसी को जो फॉलो करना था इसी को मैंने फॉलो किया, राइट। उसके बाद में है कि अलग अलग टेक्स्चर करना, ये करना, वो करना, ये बहुत सारा स्टेप है, करने में मेरे को 45 मिनट लग जाएगा, उतना देर का मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली उन्होंने अलग अलग स्टेप करके बताया, इसको आप लोग फॉलो करके, जैसे कि सामने मैंने आपको दिखाया कि स्टेप को मैंने उसके स्टेप को फॉलो किया, स्टेप को फॉलो करने के बाद में उस टाइप का एक इफेक्ट मैं यहाँ पर रीच कर गया। तो आप ऐसे ही ट्यूटोरियल सबको देख के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के बाद में सीखोगे, राइट। तो जब सीखोगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना काम करने लगना, जब आप सीख लोगे तो थोड़ा बहुत आपको टूल्स वगैरह का यूज़ करने आ जाएगा, तो थोड़ा सा एडवांस चीज़ों में पढ़ना।